नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल में जिसका नाम है मोहित सुतीजा। मेरा नाम है मोहित सुतीजा और वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो ये है मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे दक्ष और यश। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नए होम जिम सेटअप के बारे में, जो कि मैंने नया जिम सेटअप किया है टेरेस पे, अपने रूफ टॉप पे, रूम में। पहले आपको पता है कि मैं बाहर करता था एक्सरसाइजेस और टेरेस पे करता था, ओपन एरिया में करता था, बट वो सारा मैंने सेटअप जो है वो सेल आउट कर लिया है और अब मैंने ओलंपिक सेटअप ले लिया है सारा, जिसमें मैंने ली है 17-in-1 मल्टी पुली मशीन और साथ में ये बेंच, 3-in-1 बेंच, जिसमें हम इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट और स्क्वैटिंग और शोल्डर प्रेस भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना है और कहीं नहीं जाना है मेरे को छोड़ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पोस्ट किया था इस मशीन का, तो सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आ रही थी, इस पर ऑर्डर्स मिले हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। तो डिटेल्ड मैं अपना पूरा टूर दूंगा इस जिम का, टेरेस जिम का, और साथ में दिखाऊंगा डिटेल्ड की कितनी हम इसमें एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं और इसकी क्या डायमेंशंस हैं इसकी और 3-in-1 बेंच की। तो सारी डिटेल बताऊंगा, वीडियो में बने रहना है, कहीं नहीं जाना है मेरे को छोड़ के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच, आपने गिव अवे में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। मेरे पास मोर देन 100 एंट्रीज आई हैं और अभी उनकी शॉर्टलिस्टिंग चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा होम जिम सेटअप। उससे पहले हम अपने होम जिम की पूजा करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी 7-8 साल पहले जब मैंने अपना जिम सेटअप किया था तो मेरी वाइफ ने पूजा करी थी। तो घर की लक्ष्मी है, ये पूजा करेगी और हम साथ इसका देंगे, हम सब, हमारा परिवार, ठीक है। तो अभी हम पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं पूरा डिटेल्ड सेटअप। वीडियो में बने रहना, कहीं नहीं जाना छोड़ के। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पे मोहित दिल्ली वाला सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो दोस्तों, हमने कर ली सह परिवार पूजा अपने नए जिम सेटअप की, नए जिम की, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हर काम से भगवान को याद करना, या आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया सह परिवार विद फैमिली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नए जिम सेटअप में मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं, ठीक है। और डिटेल्ड बात करेंगे हम 17-in-1 मल्टी जिम पुली सिस्टम के बारे में, ठीक है। एंड में मैं इसका प्राइसिंग बताऊंगा और इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स आप खरीद सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये 3-in-1 हैवी ड्यूटी बेंच प्रेस रैक, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर स्क्वैटिंग के लिए और शोल्डर प्रेस के लिए भी कस्टमाइजेशन करवाई है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा टूर ले लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ पर इस सेक्शन में। ये हमारा डंबल एरिया है, तो 5 kg से लेकर 20 kg तक हमारे पास फिक्स डंबल्स हैं, 5, 7.5, 10 kg में हेक्स हैं, 12.5, 15 और 20 kg, ठीक है। तो 20 kg तक हमारे पास डंबल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है केटलबेल एक्सरसाइजेस के लिए 10 kg में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस सेक्शन में क्या है। तो इस सेक्शन में हमने जो है मैट्स बिछाए हुए हैं, ताकि इसमें अगर हमें डेडलिफ्ट करनी है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद रॉड हमें एकदम से नीचे छोड़नी है, तो यहाँ हमारी फ्लोर को डैमेज ना हो, और इसलिए हमने ये 2 1x1 मीटर के ये मैट बिछाए हैं। इनकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 38 से 40 mm है और 1x1 मीटर के ये मैट हैं, ठीक है। तो ये भी अवेलेबल हैं मेरे पास, आप परचेज कर सकते हैं। ये एक मैट की कीमत जो है वो 900 rupees है, ठीक है, 900 rupees का एक स्क्वायर आएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, बाबल्स हैं। तो बाबल्स हम बात करते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये 4 feet की ओलंपिक बाबल, इससे हम बाइसेप्स और शोल्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है, इजीली। और उसके बाद मेरे पास है ये बॉक्स रॉड से हम हैमर कर्ल और शोल्डर की एक्सरसाइजेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स सब कुछ ओलंपिक साइज में है, ठीक है, सब कुछ 51 mm में है। और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं इस पर, ये भी 51 mm में, अपनी माइल्ड स्टील जो मैं सेल कर रहा हूँ ये वही सेम प्लेट्स हैं, बट मैंने इसमें बोर जो है वो 51 mm का कराया, क्योंकि ओलंपिक मेरे पास सारी रॉड्स हैं, ठीक है। और ये 10 kg की प्लेट्स हैं सारी, जो भी अभी इसमें लगी हुई हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो ये है 6 feet की बाबल, स्ट्रेट बाबल ओलंपिक साइज, और ये है डेडलिफ्ट्स के लिए, ठीक है। और साथ साथ इसमें हम शोल्डर प्रेस भी इजीली कर सकते हैं।
तो इस पे अभी 30 kg वेट लगा हुआ है, साथ में स्प्रिंग लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बॉक्सिंग पैड, ठीक है, बॉक्सिंग पैड है, और साथ में ये अटैचमेंट्स हैं बहुत सारी जो कि हम पुली सिस्टम पे यूज़ करेंगे। तो मैं इनको आपको जब पुली सिस्टम के बारे में बताऊंगा तो इन सबको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको अभी हम बाद में देखते हैं। ये है हमारा योगा मैट नॉर्मल, और उसके बाद हमारे पास है ये स्टूल। ये स्टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम बैठ के शोल्डर की एक्सरसाइज ले सकते हैं, आर्नोल्ड प्रेसेस ले सकते हैं, और इसी पे बैठ के हम अपनी पुली सिस्टम से बैक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी 3000 rupees, 3000 का ये स्टूल पड़ेगा। बहुत ही हैवी ड्यूटी है, स्टायरोफोम लगी हुई है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो 3000 rupees इसकी प्राइसिंग है, और बारबेल्स की प्राइसिंग आपको पता ही है ओलंपिक में 500 rupees पर फीट है, और बॉक्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 3500 में। ये बॉक्स 3500 में है, ठीक है। बाकी अटैचमेंट्स के बारे में मैं पुली पे जब आऊँगा तो बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास ये रोप। ये क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस करने के लिए रोप है, तो इससे हम क्रॉसफिट एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट रेट पंप होती है और फैट लॉस में बहुत काम आती है। तो ये रोप जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 5000 rupees में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये बेंच, ठीक है। तो ये इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट बेंच है, और इसके साथ हमने ये ओलंपिक साइज 7 feet की बाबल यूज़ करी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर ओलंपिक स्टैंडर्ड का है, तो इसमें 7 feet की बाबल ही लगेगी, 6 feet की नहीं लग पाएगी। अभी इसकी डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मैं पुली के बाद दूंगा। तो आप एक और चीज़ देख रहे हैं, जो मैंने कलर स्कीम इस रूम की करवाई है, इस वॉल पे मैंने ग्रीन कलर करवाया है, तो कंट्रास्ट में इस बीच वाली वॉल पे मैंने येलो कलर करवाया, लाइट येलो और क्रीमिश कलर, और साथ में ये थर्ड वॉल पे थोड़ा सा डार्क कलर दिया है, डार्क शेड दिया ब्लू कलर का। तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बहुत बड़ा सा शीशा लगेगा, ठीक है। इस वॉल पे हम बहुत बड़ा सा मिरर लगाएंगे, और इस वॉल पे हम लगाएंगे एक LED, और साथ में म्यूजिक सिस्टम लगेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मच अवेटेड, बहुत ही जिसका इंतजार हो रहा था, वो है ये 17-in-1 सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम की मैं पहले आपको डायमेंशन लेके बता देता हूँ, ये कितनी इसकी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है और कितनी हाइट है। तो हाइट जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7.5 feet है, अगर हम बात करें यहाँ इस पुली तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7.5 feet का है, 7.5 feet का है, ठीक है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लेंथ है 4 feet अप्रॉक्सीमेटली, और ऐसे ही इसकी ब्रेड्थ जो है, जो ये वाली साइड है, वो भी 4 feet अप्रॉक्सीमेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे जब मैंने इसको इंस्टाग्राम पे लगाया और स्टेटस पे लगाया व्हाट्सएप पे, कि इसकी सपोर्ट क्या है, ये नीचे टिकेगा कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बेस है, ये देखो, ये जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना भी हिला लो इसको कहीं नहीं जाएगा ये पुली सिस्टम। तो ये जो बना हुआ है बेस पीछे, ये इसका फुल सपोर्ट है, और इसकी असेंबली जो आएगी वो बहुत ईजी है। 2 nut bolt यहाँ पर हैं, 2 nut bolt यहाँ पर हैं, ठीक है। तो जो लोग इंटरस्टेट ऑर्डर्स के लिए पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे आएगा, हम इसको असेंबल कैसे करेंगे, तो ये 2 parts में आएगा। एक सिंगल पार्ट ये पूरा सिस्टम रहेगा, ये सिंगल पार्ट, ठीक है, ये रेक्टेंगल सिस्टम रहेगा पूरा, और दूसरा पार्ट आएगा ये बेस सपोर्ट, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करना, 2 nut bolt यहाँ, 2 nut bolt यहाँ, नट बोल्ट भी साथ में आएंगे आपको, और बस ये असेंबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को आया कि सर हम इसमें ओलंपिक प्लेट्स भी डाल सकते हैं, हम इसमें नॉर्मल 28mm प्लेट्स भी डाल सकते हैं, तो आंसर है हाँ, आप दोनों टाइप की प्लेट्स डाल सकते हो। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस वक्त ये जो अटैचमेंट है ये 28mm प्लेट्स के लिए है, ठीक है। तो साथ में इसके, क्योंकि ये दोनों साइड हैं वेट्स, फ्री वेट्स डलेंगे, तो ये दोनों साइड डंडियाँ हैं, तो साथ में इसके ये 2 attachment आती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इसको यहाँ हम लगा देंगे, तो ये बन जाएगी ओलंपिक साइज की रॉड, ठीक है, जिसमें हम ओलंपिक साइज के वेट लगा सकते हैं। हमारा 50mm है, ठीक है, तो इजीली इस अटैचमेंट को यूज़ करके हम 50mm भी यूज़ कर सकते हैं और 28mm भी वेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं, अब हम इस पर क्या क्या एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुली जो है ये मूवेबल है, इसको आप ऊपर से लेकर नीचे तक जिस भी लेवल पे एडजस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। सपोज इस वक्त ये लैट पुल डाउन के
लेवल पे एडजस्टेड है, ऊपर एडजस्टेड है बैक एक्सरसाइजेस के लिए और ट्राइसेप के लिए। इसको मैंने हल्का सा ऐसे प्रेस किया और इस पुली को अगर मुझे यहाँ रोकना है तो मैंने यहाँ पर रोक दिया और इसको ऐसे कस दिया। इसको मैंने अगर नीचे करना है तो मैंने इसको यहाँ से रोटेट करके इसको नीचे सेट कर लिया। तो एक और जो इसमें खास बात है वो ये है कि ये पुली भी मूव होती है, ठीक है, 180 डिग्री मूव होती है। आप इधर खड़े होके भी लगा सकते हैं, सपोज आप इधर खड़े हैं तो तब भी एक्सरसाइज लगा सकते हैं, आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं तो भी एक्सरसाइज लगा सकते हैं, और आप इस साइड पे खड़े हैं तो भी आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं, तो ये भी मूविंग है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ सारी एक्सरसाइजेस जो हम इस पे कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन बनाई गई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल डिज़ाइनिंग करी थी इसकी और तब जाके ये डिज़ाइन फाइनल हुआ कि स्पेस कम से कम घेरे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है, स्पेस इशूज़, क्योंकि यूजुअली अभी कोरोना के टाइम में हम जिम नहीं जा सकते हैं तो हमें अपनी जो लिमिटेड स्पेस है हमारे पास उसी को यूटिलाइज करके जिम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। तो उसी लिए ये एक ऐसी चीज़ बनाई गई है कि हम कम से कम स्पेस यूटिलाइज करें और हमारा काम जो है वो सारा हो जाए। तो मैं अब आपको एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा और ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए कह रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पुली की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल मशीन्स होती हैं, प्रोफेशनल पुलीज होती हैं जिम्स में, बिल्कुल वैसी ही मूवमेंट और वैसी ही स्मूथनेस है। ये आप चाहें तो आप मेरे पास आके इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लगा के दिखाते हैं एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैक एक्सरसाइजेस से। ये हमने लगा दिया लैट हैंडल, ये मैंने लगा दी प्लेट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने तीन एक्सरसाइजेस देख ली बैक की। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे रोप, ठीक है, रोप पुल डाउन किस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लगाएंगे सीटेड रोइंग, ठीक है, तो इसको अटैचमेंट हम हटा देंगे यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत प्यारी मक्खन जैसी मूवमेंट है, स्मूथ एज बटर, ठीक है, बहुत ही प्यारी मूवमेंट है। ट्राइसेप के लिए पुली पुश डाउन ट्राइसेप रॉड से, ठीक है, ये एक और अटैचमेंट है। ये इन सब का प्राइस मैं आपको बताऊंगा, अटैचमेंट का और पूरी मशीन का, पूरे सेटअप का। अगर आपको बिना अटैचमेंट के चाहिए तो अलग प्राइस है, सारी अटैचमेंट चाहिए तो अलग प्राइस है। ट्राइसेप, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट देना है, नीचे पैर रखना है और 1, 2, 3, 4, 5। तो इजीली हम ओवर द हेड भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। चार एक्सरसाइजेस ट्राइसेप की हो चुकी हैं। अब हम लगाएंगे सिंगल डी हैंडल्स, इससे हम ले सकते हैं वन आर्म, 1, 2, 3, 4, 5। हमने ट्राइसेप्स की देख ली 5 एक्सरसाइजेस, बैक की 5, ट्राइसेप्स की 5, 10 एक्सरसाइजेस अभी हम इस पर कर चुके हैं, ठीक है। अब बारी है बाइसेप्स की, तो अब हम क्या करते हैं बाइसेप्स के लिए इसको नीचे ले आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हैमर, 1, 2, 3, 4, 5। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट है। चेक करना है मेरे टेरेस जिम पे आओ, चेक करो, जो एटलीस्ट दिल्ली से हैं वो आके चेक कर सकते हैं, बाकी जो इंटरस्टेट हैं तो आई नो आप सबको मेरे पे भरोसा है, बहुत आप विश्वास करते हो, तभी आपने मेरे को इतने सारे ऑर्डर्स दिए हैं और मुझे सपोर्ट किया है। 1, 2,
थ्री फोर फाइव बाइसेप की चार एक्सरसाइज लग गई, तो पांच बैक की, पांच ट्राइसेप की और चार बाइसेप की लगा ली, तो 14 एक्सरसाइज हो गई। अब हम लगाएंगे शोल्डर की तीन एक्सरसाइज में, तो टोटल एक्सरसाइज हो जाएंगी 17। इसमें आप और भी वेरिएंट्स कर सकते हो, और भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो बेसिकली आप इसमें 17 एक्सरसाइजेस लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स यूज करके। अपराइट 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4 and 5 अब हमने करना है साइड रेस, और साइड रेस के लिए हमने ये डी हैंडल लगा दिया है, और यहां से पकड़ेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 तो इसीलिए इस मशीन का नाम मैंने दिया है 17-in-1 मल्टी जिम पुली सिस्टम, लेस स्पेस और बहुत स्टर्डी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, ठीक है, जिसका आपको वेट है। तो अगर आप ये सिर्फ पुली सिस्टम खरीदना चाहते हो जिसमें अटैचमेंट नहीं आएंगी और जिसमें वेट्स नहीं आएंगे, ये पुली सिस्टम आएगा सिर्फ, नो अटैचमेंट और नो वेट्स, नो फ्री वेट्स, तो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 20,000 रुपीज़ प्लस शिपिंग चार्जेस आपके पिन कोड के हिसाब से। ठीक है, 20,000 प्लस शिपिंग चार्जेस, पुली सिस्टम, वेट्स नहीं आएंगे इसके साथ और अटैचमेंट नहीं आएगी अगर आप बिना अटैचमेंट के इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो 20,000। अब अगर आपको अटैचमेंट का कॉम्बो चाहिए, तो अटैचमेंट में क्या क्या है हमारे पास? अटैचमेंट में है रोप, ठीक है, ट्राइसेप हैंडल, बाइसेप हैंडल, जिससे हम रॉड बेसिकली बाइसेप ट्राइसेप लेंगे, दो। तीसरा ये डी हैंडल, ठीक है, वन आर्म बाइसेप, वन आर्म ट्राइसेप और साइड रेजेस करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये लैट पुल डाउन अटैचमेंट, ठीक है। फोर्थ अटैचमेंट ये है, तो 1, 2, 3, 4 अटैचमेंट। फिफ्थ अटैचमेंट है ये हट, झोंपड़ी, ठीक है, ये रोइंग के लिए। तो 5 अटैचमेंट आएंगी आपके पास, और प्राइसिंग जो होएगी वो होएगी 24,000 प्लस शिपिंग, तो 24,000 में आपके पास ये 5 अटैचमेंट आ जाएंगी, पूरी मशीन आ जाएगी, वेट्स नहीं आएंगे, फ्री वेट्स आपके खुद के होंगे। तो 20,000 विदाउट अटैचमेंट प्लस शिपिंग, 24,000 विद ऑल दीज 5 अटैचमेंट्स प्लस शिपिंग। सेकेंड थिंग जो मेजर चीज मैंने ली है वो है 3-in-1, बेसिकली 3-in-1 नहीं, इसको हम 5-in-1 कहेंगे। 3-in-1 में तो इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट तो ये करेगा ही, बेंच प्रेस, ठीक है, ओलंपिक साइज, ओलंपिक डायमेंशंस के हिसाब से, साथ में इसके पीछे वाले एरिया में भी मैंने ये पीट्स लगवाए हैं, जिससे कि मैं यहाँ से शोल्डर प्रेस, ठीक है, कर सकता हूँ और स्क्वाट्स कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये भी एडजस्ट हो सकता है और बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने पैर फंसाने के लिए अपने हिसाब से, यहाँ पर लेवल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइन के लिए यहाँ पर 2 लेवल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो हमने क्या करना है, ये उठाना है, ये हैवी ड्यूटी रॉड है, इसको हमने इस लेवल पर रख दिया, तो ये हो गया इंक्लाइन। अब इससे भी किसी को थोड़ा और इंक्लाइन चाहिए तो एक और लेवल लगा हुआ है यहाँ पर, और ये हो गया और ज़्यादा इंक्लाइन, और रॉड आप अपनी उसके अकॉर्डिंगली इस लेवल पे लगा सकते हैं। अब करना है डिक्लाइन, तो कुछ नहीं करना, रॉड हटानी है और डिक्लाइन, ठीक है। हैवी ड्यूटी बेंच है इसकी, एक बार आप वो देखो कितनी मोटी स्टायरोफोम डली हुई है, कितनी मोटी गद्दियाँ हैं, बहुत हैवी ड्यूटी है, मैं सच बता रहा हूँ। हमें इसको ऊपर चढ़ाने में सेकेंड फ्लोर जान निकल गई थी। और ये पीछे वाला हिस्सा मैंने आपको बता ही दिया है, शोल्डर प्रेस और स्क्वाटिंग करने के लिए है, अपने अपने हाइट के लेवल के हिसाब से 3 लेवल्स हैं, तो इसमें मोर देन सफिशिएंट आपके लेवल्स हैं, आपकी जो भी हाइट है उस हिसाब से आप इसमें एक्सरसाइजेस लगा सकते हैं इजीली। आप इस पे 200-250 किलो तक की
बेंच प्रेस, स्क्वाटिंग आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अब आप हालत देख रहे हो मेरी, इस वक्त मैं स्वेटिंग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और बट मुझे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे लोग कि इसकी वीडियो डाल दो, इसका हमें डिटेल्ड टूर दे दो और अपने नए जिम का भी टूर दे दो कि आपने क्या क्या सेटअप किया है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है कि मैं ये जिम सेटअप कर पाया हूँ अपने रूफ टॉप पे और रूम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो पसंद आए होंगे। एंट्रीज बहुत सारी आ चुकी हैं गिव अवे के लिए, और विनर जो है वो डिसाइड होगा वीकेंड पे। अब या वो सैटरडे को वीडियो आएगी या संडे को आएगी वो मैं अभी नहीं कह सकता, बट जो गिव अवे के विनर्स की एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें जो जो विनर्स हैं उनकी वीडियोस दिखाई जाएंगी और बताया जाएगा कि किसको क्या प्राइज मिल रहा है उसके नाम के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल में बने रहना है, और अगर अभी तक मोहित दिल्ली वाला का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटे को दबा दो, आराम से दबाना नहीं तो स्क्रीन टूट सकती है, तो घंटे को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो और मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम @MohitDilliwala फॉलो कर लो, बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ वहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप खुश रहो, आपके परिवार में सब खुश रहें, और कोरोना से बच के रहो। क्या करना है? सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और काम करो जो करते हो, क्योंकि काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और एज ऑलवेज मौज लो, रोज लो, ना मिले तो जिम करके खोज लो। बाय बाय।